गुरु के आशीर्वाद से 2023 का आगाज। बारह बजते ही स्वर्ण मंदिर की परिक्रमा। 1,00,000 श्रद्धालुओं ने किया सतनाम वाहे गुरु का जाप। गुरु नगरी के वासियों के साथ साथ देश विदेशों से आए सैलानियों ने नए साल की शुरुआत गोल्डन टेंपल में की। रात 9 से 12 बजे के बीच 1,50,000 से अधिक श्रद्धालु गोल्डन टेंपल पहुंच चुके थे। आलम ऐसा कि पैर रखने की भी जगह नहीं। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि नए साल के पहले दिन 3,00,000 से करीब श्रद्धालु गोल्डन टेंपल में दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। स्वर्ण मंदिर में रात 9 बजे से ही भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई। भीड़ इतनी अधिक हो गई कि स्वर्ण मंदिर की परिक्रमा में चलते हुए भी लोग जदोजहद करनी पड़ रही थी। परिक्रमा में चारों तरफ श्रद्धालु दिख रहे थे। लोगों को जहां जगह मिली वहीं बैठ गए और रात 12 बजे का इंतजार करते हुए लोग नाम जपते दिखे। श्रद्धालु इस दौरान पूरा समय बैठे बैठे श्री सुखमणि साहिब के पाठ का जाप कर रहे थे। सभी को रात के 12 बजने का इंतजार था। जैसे ही 12 बजे पूरे गोल्डन टेंपल एकत्रित 1,00,000 से अधिक श्रद्धालु ने जो बोले सो निहाल के जयकारे लगाने शुरू कर दिए। यह भीड़ रुकने वाली नहीं है। अनुमान के अनुसार स्वर्ण मंदिर में आज 3,00,000 से करीब श्रद्धालु माथा टेकने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इसके लिए पूरी तैयारियां कर स्वर्ण मंदिर में सचखंड साहिब के कपाट बंद होने के तुरंत बाद ही लंगर साहिब की तरफ भीड़ गई। भीड़ इतनी अधिक थी कि लंगर हॉल के पीछे बने नए कमरों को भी खोलना पड़ा। जितने श्रद्धालु हॉल के अंदर मौजूद थे उतने बाहर इंतजार कर रहे थे। लेकिन सेवा में कहीं कभी कोई कमी नहीं दिखी। रात के समय में ही हॉल के दूसरी तरफ नए साल पर बनने वाले पकवानों की तैयारियों के लिए सेवा भी चल रही थी। रात 12 बजने का इंतजार कर रहे लोगों को स्वर्ण मंदिर में जहां जगह मिली वहीं बैठ गए। शेड भीड़ से भर जाने के बाद परिक्रमा में चलने के लिए बिछे टाट पर ही बैठ गए। चारों तरफ श्रद्धालु की भीड़ ही देखने को मिल रही थी। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।